एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रिश्ता बीजेपी के साथ कैसा है? बीजेपी के नेता और साथ ही जनता दल यूनाइटेड के नेता एक दूसरे से आपस में कई बार भिड़ते हुए नजर आए हैं, लेकिन इन सभी मामले पर सीएम नीतीश कुमार की चुप्पी हमें देखने को मिली। सीएम नीतीश कुमार खुलकर कभी नहीं बोलते और साथ ही सीएम नीतीश कुमार का ये भी कहना है कि एनडीए में कोई दरार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एनडीए में दरार की जो तस्वीरें हैं वो आए दिन देखने को मिलती है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर सीएम नीतीश कुमार का जो रिश्ता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसा है और आखिर किस तरह से अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश सीएम नीतीश कुमार की तरफ से की जा रही है। पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं कि आखिर क्यों सीएम नीतीश कुमार उस वक्त चुपचाप नजर आ रहे हैं और बीजेपी को लेकर क्या कुछ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन में चल रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन में इन दिनों क्या चल रहा है, पुख्ता तौर पर तो वही बता सकते हैं, लेकिन इन दिनों जिस रणनीति के तहत वो चल रहे हैं उसमें केंद्रीय बीजेपी या फिर केंद्र की सरकार नहीं है। दरअसल हाल के दिनों में नीतीश कुमार ने बीजेपी द्वारा आयोजित कई कार्यक्रम में अपने आप को अलग रखा। अब बिहार के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भी हिस्सा उन्होंने नहीं लिया। ऐसे में जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि नीतीश कुमार मनरेगा को लेकर आयोजित बैठक में हिस्सा लेने के कारण इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार समय समय पर विभागों और योजनाओं की समीक्षा करते रहते हैं, लेकिन जिस मन से उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया था उस मन से उनके शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए और यही वजह है कि इसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है जब सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली से अपनी दूरी बनाई है। इससे पहले 17 जुलाई को उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई मुख्यमंत्रियों की एक बैठक में भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक में बीजेपी कोटे से उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद बिहार से हिस्सा लेने पहुंचे थे। वही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विदाई के सम्मान में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित रात्रि भोज में भी सीएम नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। उस समय सीएम नीतीश कुमार ने विधान परिषद के 7 नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ समारोह का हवाला देते हुए अपने आप को उस कार्यक्रम से अलग रखा था। भले नीतीश कुमार ने एनडीए समर्थित राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया हो, वो उनकी रणनीति का हिस्सा था, लेकिन अब नीतीश कुमार ने बीजेपी से दूरी बनानी शुरू कर दी है। बात उस समय से शुरू हुई जब पीएम नरेंद्र मोदी विधानसभा के कार्यक्रम में आए थे। उस कार्यक्रम में समारिका का विमोचन किया गया, लेकिन उस समारिका से नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं थी। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने 5 के सीएम नीतीश कुमार की कोई चर्चा नहीं की। इधर केंद्रीय योजना अग्निवीर को लेकर भी बीजेपी और जेडीयू के बीच तल्खियां बढ़ी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सरकार पर सवाल उठाते हुए अग्निवीर के लिए हो रहे हंगामे को शांत करने में सरकार को असफल बताया था। इसके साथ ही हाल में जेडीयू के वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने साफ कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के बाद कोई कोऑर्डिनेशन एनडीए में नहीं है। सहयोगी दल विपक्ष की तरह सवाल उठा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार पूरी तरह से बीजेपी के क्रियाकलापों से नाराज चल रहे हैं और इसीलिए उन्होंने दिल्ली से अपनी दूरी बनाई और यही वजह है कि इस वक्त सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्ते पर सवाल उठ रहे हैं। और ये भी साफ नजर आ रहा है कि सीएम नीतीश कुमार धीरे धीरे करके बीजेपी से अपने रिश्ते को जो है वो ज्यादा उस पर फोकस नहीं कर रहे और यही वजह है कि दूरी बनाते हुए सीएम नीतीश कुमार देखे जा रहे हैं। न्यूज़ फॉर नेशन की रिपोर्ट।